वैष्णव अखाड़ों ने अध्यक्ष पद पर किया दावा। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में खींचतान बढ़ गई है। हरिद्वार कुंभ से ही नाराज चल रहे वैष्णव अखाड़ों की तरफ से अध्यक्ष पद पर दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि तीनों अखाड़ों में किसी एक के महात्मा को अध्यक्ष बनाया जाए, यदि नहीं ऐसा हुआ तो वो खुद को अखाड़ा परिषद से अलग कर नया संगठन बनाएंगे। इस नई मांग पर पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं। श्री मठ बागम्बरी गद्दी में 20 सितंबर को रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का पद रिक्त है। नए अध्यक्ष के बारे में महात्मा मंथन कर रहे हैं। मंथन की 5 अक्टूबर को होने वाली शोषणी से एक दिन पहले 4 अक्टूबर को अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाने की तैयारी है। इसमें नए अध्यक्ष का नाम तय किया जाना है। इससे पहले ही नई मांग सामने आ गई है। श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा के अध्यक्ष श्रीमंत राजेंद्र दास कहते हैं कि बीते मार्च अप्रैल में हरिद्वार कुंभ में वैष्णव अखाड़ों की उपेक्षा की गई। हमें उचित जमीन व सुविधाएं नहीं दिलाई गई। हमने तभी परिषद से अलग होने की घोषणा की थी, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हुए थे। अब वैष्णव अखाड़ों के संतों को अध्यक्ष पद दिया जाएगा, तभी हम परिषद में शामिल होंगे, अन्यथा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। दिगंबर अनि अखाड़ा के अध्यक्ष श्रीमंत रामकिशोर दास कहते हैं, सन्यासी अखाड़े के महात्मा पिछले कई सालों से अध्यक्ष पद पर हैं, अब वैष्णव अखाड़ों के संतों को ये पद दिया जाए। इधर अखाड़ा परिषद महामंत्री महंत हरि गिरी कहते हैं कि सारे अखाड़ों को एकजुट रखना हमारी प्राथमिकता है, सबकी राय लेकर निर्णय लिया जाएगा। निर्वाणी अनि अखाड़ा के महंत ज्ञान दास 2004 में अध्यक्ष बने थे। वो 2022 तक इस पद पर रहे। प्रयागराज कुंभ 2013 में श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा के महंत बलवंत सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 2014 में श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी अध्यक्ष बने। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के संरक्षण व उसके प्रचार प्रसार के लिए अखाड़ों की स्थापना कराई थी। मौजूदा समय में 13 अखाड़े हैं, जूना, निरंजनी, महानिर्वाणी, अग्नि, अटल, आह्वान व आनंद सन्यासी अखाड़े हैं। वैष्णव अर्थात वैराग्यों के अखाड़े दिगंबर अनि, निर्माणी व निर्मोही अनि है। उदासीन अखाड़ों में बड़ा उदासीन, नया उदासीन व निर्मल शामिल है। समस्त अखाड़ों को एकजुट करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद गठित है। इसमें हर अखाड़े के महात्माओं को प्रतिनिधित्व मिलता है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।